पीछा करो। कोई भागे आगे आगे कोई पीछे पीछे। पीछा करो। शक्का चक्कर ऐसा चक्कर जिसमें बस टक्कर ही टक्कर। कोई ताके कोई झांके किसी को खाना किसी को फांके। जिसका पल्ला ज्यादा भारी वही पकड़ कर खींचे। पीछा करो। शक्के जिस घर पाँव पड़े हैं उस घर बर्तन खूब लड़े हैं। जिसके दिल में ये घुस जाए टेढ़े आंगन नाच नचाए। ताता तई 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 तई। शक की मंजिल आग लगाना भड़क उठे तो और भड़काना। ऊपर ऊपर मीठा मीठा तीखा नीचे नीचे। मैं बोलूं शक है जादू शक है टोना। कुछ न पाना सब कुछ खोना। आंखों से अंधा करता है कानों से देखा करता है। जो होता वो दिखता नहीं है जो दिखता वो होता नहीं है। कभी 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 हाँ कभी 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 ये सच हो जाता वरना अक्सर धोखा खाता। शक मत करना कहने वाला दूरबीनों से चीखे। पीछा करो। हेलो। हाँ मैं स्वयं प्रभा सरकार बोल रही हूँ। हेलो माता जी मैं बहादुर सिंह। सुशोभन जी का पता चल गया है। पता चल गया? कहाँ कहाँ छिपा हुआ है वो? छिपे नहीं है ठहरे हैं वो लोग किसी होटल में। अभी अभी छिप छर्रा मारी से मेरे ड्राइवर का फोन आया था। बोलो इसका मतलब उसके साथ कोई है? हाँ मेरा ड्राइवर बता रहा था कोई लड़की सा। नहीं नहीं हाँ मुझे पक्का नहीं पता। अब फोन रखूं? फोन कैसे रखोगे? फिर से नाम बताओ जगह का। छापामारी? हाँ माता जी छापामारी नहीं छिप छर्रा मारी। हाँ ठीक है जो भी हो देखो जरूरत पड़ने पर मैं तुम्हें गवाही के लिए बुलाऊंगी। गवाही? तुम नहीं समझोगे अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। मैं आपका मतलब नहीं समझा जी। समझने की जरूरत भी नहीं तुम सिर्फ मुझे इतना बताना कि वो होटल कहाँ है और उसका नाम क्या है। वो होटल शायद मेरे ख्याल से उस होटल का नाम है हरी माटी पंत निवास। और जिस जगह पे वो होटल है उस जगह का नाम फातिमापुर या फातिमा रंगपुर है शायद। शायद नहीं मुझे पक्का पता चाहिए समझे। नहीं तो तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ? जानता हूँ माता जी जानता हूँ। आप सुशोभन जी की सासू माँ हैं और गांव का पक्का नाम फातिमा रंगपुर है। और वहाँ से वो लोग शायद मुचकुंडा जाने वाले हैं। मुचकुंडा? माय डियर इज सुशोभन देयर? इफ ही देयर देन why Anita here? Wife worried reply. ये हुई ना बात short and sweet. भाई भेजने वाले को समझाना और पाने वाले को समझना चाहिए। देखा कंप्लीट हो गई टेलीग्राम। छोड़ो तुम्हारा टेलीग्राम मैंने पता लगा लिया है कि सुशोभन कहाँ है। कहाँ है वो? वही उसी लड़के के साथ एक होटल में ठहरा हुआ है। होटल में? हाँ उसी लड़की के साथ। ये कैसे हो सकता है? कल ही तो यहाँ से गया है। और कल की रात उन दोनों ने साथ काटी है। अरे क्या अनाप शनाप बकती रहती हो तुम तो। ये अनाप शनाप नहीं ये सच्चाई है। वो उसी लड़के के साथ होटल में ठहरा हुआ है और मुझे उसे रंगे हाथ पकड़ना है। सुशोभन मैं आ रही हूं। अरे धीरे मेम साहब दरवाजा तोड़ना है क्या? माफ कर दे बेटे जल्दबाजी में ऐसे हो जाता है माफ कर देना। टैक्सी रोक के रखना। दरअसल इन पे एक पहाड़ टूट पड़ा है। अब ये किस पर टूटती है इसका भरोसा नहीं है। अरे कहाँ मर गई थी तू? जी अनी कहाँ है? जी अंदर है बेटा। ओ मेरा हाँ अनीता
अरे क्या हाल बना रखा है तुम्हें? ना ना बाबा मत रो, मेरी बच्ची मेरी अच्छी बच्ची। बस बस बस, बहुत हुआ बहुत हुआ, हाँ ज्यादा प्यार जताने की जरूरत नहीं, बैठो उधर। मेरी बच्ची ना ना माँ जी, क्या हुआ माँ जी? बिटिया का तो हाल मत पूछो, हमारा कलेजा फटा जा रहा है। सारी रात ऐसे रो के काट दी, पता नहीं क्या सोचती है, फिर रोने लगती है, फिर कुछ सोचती है, फिर रोती है, सोचते रोते दिन निकल गया, मगर बस इनका रोना बंद नहीं हुआ। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, नहीं छोड़ूंगी मैं उसे। इधर मत रोना, मत रोना। जिसने मेरे लाडली बेटी को रुलाया है, उसको अगर मैंने नहीं रुलाया तो मेरा नाम भी स्वयं प्रभा सरकार में। ना मत रो, ना ना ना। अरे बेटी चुप हो जा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो हुआ वो क्या कम है? नहीं बेटी मत रो, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं कुछ नहीं होने दूंगी। मैंने सब पता कर लिया है, वो निगोड़ा उस औरत के साथ होटल में अय्याशी कर रहा है और अभी भी वो वही है। इससे पहले वो कहीं और भाग जाए, हमें उसे रंगे हाथ पकड़ना है। अरे मैं तो उसे पहले से ही जानती थी। सब जानती थी तो ब्याह क्यों होने दिया था? उस समय तो बहुत खुश हुई थी तुम। खुश? मैं एक दिन के लिए भी खुश नहीं थी। पहले से मैं इस शादी से खिलाफ थी, लेकिन तुम दोनों ने एक न सुनी। लेकिन आज मैं किसी की नहीं सुनूंगी, ऐसे सजा दिलवाऊंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। जेल में चक्की नहीं पिसवाई तो मेरा नाम भी स्वयं प्रभा सरकार नहीं। लेकिन माँ, ऐसा गलत काम सुशोभन ने किया है, ये तो अभी तक साबित ही नहीं हुआ, फिर तुम? अब क्या और साबित होना है? अरे टैक्सी वाले ने उन दोनों को खुद होटल में जाके छोड़ा है और वहीं से उसने फोन किया था, और क्या सबूत चाहिए तुझे? नहीं माँ, तुम जो सोच रही हो वो बात नहीं हो सकती। सुशोभन इतना नीचे नहीं गिर सकता, वो पच्चलन नहीं है माँ। तुमने दुनिया कहाँ देखी है? मैंने देखी है। पुरुष अपने पत्नी को घर के चार दीवारी में कैद करके वो खुद उड़ना चाहता है, लेकिन वो उड़े या नहीं उसके पत्नी पे निर्भर होता है, समझी? लेकिन मैं इस बात पे यकीन नहीं करती, उन्होंने जो कुछ भी किया उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा। हे भगवान, जैसा बाप वैसी बेटी। अरे वो एक औरत को लेके होटल में पड़े और तुम फिर भी? लेकिन मैं यकीन नहीं कर सकती माँ, हो सकता है कि वो लड़कियों ने भुलावा देकर वहां पे लेके गई हो। भुलावा देकर ले गई? अरे वो तो पहले से ही तैयारी करके आई थी और ये कहती कि भुलावा देकर चली गई। वो सुशोभन के छोटा बच्चा है जो लड्डू देकर बातों में आ गया। कुछ भी हो माँ, लेकिन इतनी छोटी सी बात के लिए इतना हो हल्ला मचाने की क्या जरूरत है? देख अनी, कोई भी माँ अपने बच्चे की दुश्मन नहीं होती। मैं जो भी कर रही हूँ तेरे भलाई के लिए कर रही हूँ। चल बेटी जल्दी कर, वो फिर हमें कहीं चकमा न दे जाए। मुझे उसे रंगे हाथ पकड़ना है। चल चल बाहर टैक्सी खड़ी है, चल जल्दी कर जल्दी कर। सुनिए चलिए, आज ही सुनते हो, उठिए। कुछ कहा तुमने? हाँ हाँ चलिए। अरे अरे आस्ते आस्ते, देखो। अरे देखू क्या? सुशोभन, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अब तू मेरे हाथ में एक बार आ जा, फिर तुझे जिंदगी भर का मजा चखाऊंगी। माँ प्लीज। तुझे क्या हुआ, क्या हुआ तुझे? मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है उससे आपको बहुत खुशी हो रही है। अब वो तो होगी, दूसरों को परेशान करने में ऐसे मजा जो आता है। तुम चुप बैठो जी। माँ
आओ भैया किशोर जी, संभाल कर आओ भैया, संभाल संभाल कर। तो ब्रजेश्वर बाबू आपको हाँ क्या पूछ रहे थे तू? तो ब्रजेश्वर बाबू आप किसी पार्टी के काम से बाहर जा रहे हो? नहीं यार, वो हमारे एक रिश्तेदार है श्री विजय राय सिंह जी, उनके यहाँ जा रहा हूँ मुचुकुदु कुंडलेश्वरी। तो फिर कब वापस लौटना होगा आपको? बस दो चार रोज में लौट जाऊंगा। असल में किशोर मैं वहाँ जाने वाला था ही नहीं, मगर अपने पार्टी की मीटिंग कैंसिल हो गई तो मैंने सोचा मैं भी हो। तो आप अकेले जा रहे हैं? नहीं नहीं, सरिता तो निकल चुकी है, मेरे ख्याल से कल पहुंच जानी चाहिए थी वो वहाँ। अच्छा अच्छा, पता नहीं ये गाड़ी कब चलेगी। चलेगी चलेगी, समय तो होने दे उसके चलने का। गाड़ी तो चले सुशोभन, अब देख लो साहब, हम गांव में रहते जरूर है लेकिन सारी दुनिया देखी, अब कोई शहर वाला आके हमको उल्लू बनाए ये तो नहीं हो सकता। वो कल्लू वो हमें टोपी पहनाने गया तो हमने भी ऐसा उस्तरा चला, ऐसा उस्तरा चला। क्या हुआ? काट दिया रे। अरे फुंसी थी, कट गई, फिर तेरे लगा देता हूँ। नहीं नहीं रहने दे रहने दे। हाँ तुम्हें क्या कह रहा था? एक मिनट, तू पहले तेरी बात खत्म कर दे, बाद में दाढ़ी बनाना। तो बात तो अभी खत्म ही होने वाली है। तो मैंने ऐसा उसरा चलाया, ऐसा उसरा चलाया कि सिर पे एक बाल भी नहीं। जब भी उसरा देखेगा तो मुझे याद करेगा। अरे भाई तू बात तो बड़ी प्यारी करता है लेकिन अस्तरा जो है टेढ़ा चलाता है। क्या है, गांव का रास्ता है ना, ऊंच नीच तो होता ही है। अच्छा ये बता, यहाँ से मुचुकुदु कुंडलेश्वरी जाने के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता है क्या? मुचुकुदु जाना है? हाँ। तुम मुझसे क्या पूछते हो जॉन? नहीं मैं जानना चाहता हूँ शॉर्टकट है वहाँ जाने के लिए। ये साहब, ये विदेशी भाषा में हमसे बात करोगे तो हम कुछ नहीं समझ पाएंगे। हमारी भाषा मर गई है क्या? अच्छा शॉर्टकट का क्या खटखट खटखट खट है? नहीं नहीं मैं ये जानना चाहता हूँ कि वहाँ जाने के लिए कोई छोटा रास्ता है जिसे हम वहाँ जल्दी से जल्दी पहुँच सके। अच्छा चोर रास्ता? हाँ चोर रास्ता। जैसे चोर चोरी करके जल्दी भागने के लिए अपना रास्ता रखता है ना, वैसे जल्दी जाने वाले रास्ते को हम लोग चोर रास्ता बोलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये बताओ मुचुकुदु कुंडलेश्वरी जाने के लिए चोर रास्ता कौन सा है? चोर रास्ता हाँ वो पगडंडी है ना। हाँ? उस पे चलते जाओ, बढ़ते जाओ, चलते जाओ, बढ़ते जाओ, चलते जाओ। लेकिन आगे तो बोलो। अरे वही तो बोल रहा हूँ। हाँ? वहाँ पे एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ मिलेगा। अच्छा पेड़ मिलेगा। हाँ? हाँ? सीधे हाथ पे मुड़ जाओ। मुड़ गए? मुड़ गए। हाँ मुड़ गया। फिर चलते जाओ, बढ़ते जाओ, चलते जाओ, बढ़ते जाओ, वहाँ पे कुआं मिलेगा। कुआं? हाँ। बहुत सारी औरतें होगी, पानी भर रही होगी, कपड़े धो रही होगी। अरे भाई साहब ये रास्ता है या भूलभुलैया? अरे तो चोर रास्ता ऐसे ही होगा ना, टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा, तभी तो चोर भाग जाता है ना। नहीं मुझे कोई सीधा रास्ता बताइए, आसान सा रास्ता बताइए। आसान सा रास्ता, वो खिड़की दिख रही है ना? हाँ। उसमें रास्ता दिख रहा है? हाँ हाँ। सीधे मुचुकुदु जाएगा। अच्छा तो पहले क्यों नहीं बताया? पहले कब पूछा था। हाँ, मेरी गाड़ी आ गई। हाँ। चलो इसको जल्दी से साफ करो। ऐसा कट नहीं जा रहा। क्रीम लगा दो भाई, आपके लिए बहुत बढ़िया क्रीम है। नहीं नहीं तो कम से कम पानी तो मारो। हाँ वो पानी ठीक है, मारो। बस 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 बस। क्या हुआ सरिता, सदा रंग मिला? बैठो बताती हूँ। अच्छा चलो गणेश। अरे रुकी क्या? अरे री आगे 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 से उठो, सो गए, उठो उठो, चलो 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 जाओ सामान लो। क्या करती रहती तू? शुक्र कर भाई, पाँव के नीचे आता तो फिर जाता।
टिकट आपका टिकट मेरा भी इनके पास ही है। ओहो तुम देखते नहीं मैं कितने जल्दी में हूँ, मुझे किसी का पीछा करना है। आप किसी का भी पीछा कीजिए लेकिन टिकट तो देके जाइए। टिकट है मगर देने नहीं है। अच्छा अच्छा टैक्सी कहाँ मिलेगी? टैक्सी 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 स्टैंड पे। टैक्सी स्टैंड कहाँ है? बाजार में। बाजार कहाँ? ओहो आप यहाँ से जाएंगी तभी तो पता चलेगा, वो सामने बाजार है। ऐसे बोलिए मैं बहरी नहीं हूँ। अरे आप क्या करना है? आप जाके टैक्सी ढूंढ लो, जब तक हम दोनों बैठ के नाश्ता करते हैं। अरे लेकिन मुझे भी तो भूख लगी, मुझे भी नाश्ता करना है भाई। जब तक टैक्सी ढूंढ लो ना, फिर बाद में मिले या ना मिले। लेकिन यहाँ तक मुझे कोई होटल नजर नहीं आ रहा, कहाँ बैठोगे? वो क्या दिख रहा है, उधर जाके हम दोनों बैठते हैं। आप जाओ और टैक्सी ढूंढ के आओ। बैग तुम रखो। बाप रे, चलो पिज्जा करने निकलिए, नाश्ता करने निकलिए। ये भी कोई पानी है? हाँ यहाँ पर तो सभी लोग यही पानी पीते हैं। क्या मतलब सब लोग पीते? इसका मतलब क्या मैं भी यही पी लूँ? खाने के लिए क्या है? आलू छाप सिंगाड़ा माछ मासो आलू भजा और टाक। कहिए क्या खाएंगे आप? रसोईया कहाँ है? अंदर है। पहले उसकी शक्ल देख लूँ बाद में बताती हूँ। जाने दो ना माँ, ये होटल देख के तो सारी भूख वैसे ही मिट गई है। हाँ। ऐसा करते हैं दो कप चाय मंगा लेते हैं। हाँ ठीक है ठीक है, दो कप चाय लेके आना। पता नहीं उनको यहाँ टैक्सी मिलती है भी या नहीं। ड्राइवर साहब, ओ ड्राइवर साहब। कहिए साहब क्या बात है? अरे भाई वो फातिमापुर या फला फलंगीपुर नाम की कोई जगह है, वहाँ चलोगे? अरे काहे नहीं चलेंगे साहब, हमारा तो काम ही यही है। तो फिर चलो। एक मिनट साहब, देखिए साहब हम इस जगह में नया हूँ, यहाँ की जगह और रास्ता हमें मालूम नहीं है, आप बता देंगे तो सुविधा होगी। अरे भाई यहाँ से निकलेंगे तो पूछते पूछते पहुँच ही जाएंगे। मैं बैठू मैं तो आइए साहब। हाँ चलो चलो। अच्छा सुनो, पहले हमें स्टेशन ले जाना, वहाँ कुछ लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। पहले स्टेशन चलना था। हाँ भैया। अच्छा भगवान कैसे चाय बनाते हैं पता नहीं, ये कहाँ रह गए? माँ माँ देखो बाबूजी आ गए। अन्नी 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 चलो चलो टैक्सी मिल गई, चलो चलो जल्दी करो। इतनी देर आप कहाँ थे? ओ, कोई चलने को तैयार नहीं था तो मैं क्या करता, बड़ी मुश्किल से एक ड्राइवर माना है। चलो चलो चलो। और सुनो वो गांव का मैंने पता लगा लिया है, उसका नाम वो फातिमा रंगपुर नहीं है, फला फलंगीपुर है। हाँ। कुछ भी हो हमें वहाँ जल्दी पहुँचना है, मुझे उनका पीछा करना है। चलो बाबा ठहरो ठहरो ठहरो, मुझे भी तो कुछ खाने में भूख लगी है। अरे यहाँ खाने के लिए कोई चीज अच्छी नहीं, देखो मक्खियाँ कितनी है, रास्ते में कहीं खा लेना। चलो ठीक है। बिल बिल कितना हुआ भाई, कौन है, किसको दूं? ₹5 ले, खाना अच्छा नहीं है फिर भी ₹5। चलो 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 चलो। जिस बात का डर था वही हो गया। क्या हुआ? बकवादी बातू ने आदमी ने भंपू लेकर सब जगह हमारा प्रचार करना शुरू कर दिया है। क्या कह रही हो? जहाँ वो ठहरा था वहाँ उसने कल रात की सारी बातें उगल दी। यानी वो चिड़ी मार सदारंग बिहारी हमारे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है, लेकिन वो मिलेगा कहाँ? उसके दोस्त को भी कुछ पता नहीं, कहाँ गया है, कब तक लौटेगा, उसे ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया सुशोभन। तो हम क्या करें सरिता? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ मुझे को तो कुंडलेश्वरी में मौसी जी भी परेशान होगी, कल को पहुँचने की बात थी और अभी तक मैंने उन्हें कोई खबर नहीं दी है। ठीक है जो होगा वो देखा जाएगा, हम वहीं तो जा रहे हैं। ये नहीं चक्कू बाबू,
आप मेरे बंदूक के निशाने पर हैं। बाबा बहुत खूब, खाली बंदूक पर तानते हैं हम पे और सोचते हम डर जाऊंगा। लेकिन डर तो गए ना। अजी हाँ, कहाँ डर गए, हमें मालूम है इसमें करतूसवा तो है ही नहीं। आपको कैसे मालूम? अजी तो हमारी पैनी नजरिया का कमाल है, जो पलक झपकने से पहले ही भाप लेता है। अच्छा अजी हाँ, आप जिस तरह बंदूक था मैं उससे तो यही लगता है ना कौन उन्होंने किया, निशाना लगा रहा है। अजी निशाना तो हमारे पखमन बाबू लगाते थे एकदम अचूक, इधर से बंदूक दागी और उधर से सामने वाला ढेर। लेकिन आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? हम भी कौन कम नहीं है, लेकिन जिंदगी में एक ही आदमी देखा है पखमन बाबू। आहा क्या शिकारी थे, शिकार खुद ब खुद उनके जाल में आकर फंसता था। आहा पखमन बाबू भी क्या चीज थे। तो क्या आपके पखमन बाबू किसी अजायब घर में रहते थे? क्या कह रहे हैं आप श्री विजय सिंह जी, आखिर वो है क्या चीज? अच्छा आपका ये मतलब है, समझ गया। उका है कि जब हम एक जमाने में, जमाने में भी क्या, जब हम जवान थे तब हम बिहार में सरकारी गुरु था, तब ये पुखमन बाबू वहां जमींदार था। हमारा दांत का टिकट दोस्ती था, अरे हम उसके बिना नहीं रहता था और वो हमारे बिना नहीं रहता था। जहां वो वहां हम और जहां हम वहां वो, यानी कि दो जिसमें एक जान। वाह वाह क्या उपमा दिया है। अजी सुनिए, एक दिन का बात है, हम ठीक पुखमन बाबू के सामने बैठा था जैसे अभी आपके सामने बैठा हूं, और हमारे पास बंदूक पड़ा था। जाने पुखमन बाबू का क्या दिमाग थनका, बंदूक उठाया और हम पर तान दिए जैसे आप ताना था। अच्छा? लेकिन उस बंदूक में करतूस भरा था और उनका निशाना ठीक हमारे माथे के बीचों बीच। अच्छा फिर क्या हुआ? अजी होना क्या था, हम भी सनक गया, हम भी छाती चौड़ी किए और उनको ललकारा के पखमन बाबू चलाइए बंदूक। फिर क्या हुआ? फिर क्या, पखमन बाबू का उंगली बंदूक का घोड़े पर और वो मुस्कुराए जैसे आप मुस्कुराए थे। हम छाती चौड़ी करके उन्हें फिर ललकारा, पखमन बाबू चलाइएगा बंदूक, आज आपका इम्तिहान है, आज दुनिया को दिखा दीजिए कि आपका निशाना कितना अचूक है। अरे हम कहता हूँ चलाइए। फिर क्या हुआ? फिर क्या, गोली चला और निशाना चूक गया। बस फट तेरे की। अरे गोली सर से यूं फिसलता हुआ पीछे जाके दीवार में धस गया। पकमान बाबू का पहली बार निशाना चूका था मगर गोली तो चलाया। क्या है कि हमारे केस में वो थोड़ा इमोशनल हो गया था मगर क्या जिगरा था। अरे आप लोग अभी तक ऐसे ही बैठे, शिकार पर नहीं जाना है क्या? भाई जाना है, बेशक जाना है, लेकिन वो सुशोभन और बजेश्वर बाबू तो अभी तक आए नहीं, कहीं कोई गोलमाल तो नहीं कर दिया मैंने? गोलमाल? कैसा गोलमाल? अरे भाई दोनों को एक साथ चिट्ठी लिखी थी, शायद दोनों को गलत तारीख दे दी इसीलिए नहीं आए। मगर ये भी तो हो सकता है कि उन लोगों से गलती हुई हो। वो कैसे? अरे आपने सही तारीख लिखा हो, उन्होंने गलत पढ़ा हो। आप भी कैसी बेतुकी बात करते हैं ठाकुर बाबू। भाई गलत तारीख पढ़ने की गलती एक से हो सकती है, दोनों से कैसे होगी? हाँ वो तो दूसरे का ट्रेन छूट गया होगा। हाँ ये ठीक है, एक ने गलत पढ़ा होगा और दूसरे का ट्रेन छूट गया होगा। अरे नहीं, ट्रेन छूट जाने पर वो लोग कम से कम खबर जरूर करते। अब चलिए ट्रेन नहीं छूटा होगा तो बीच रास्ते में भी तो ट्रेन खराब हो सकता है, तो वो जब बीच रास्ते में फंस गया तो आपको खबर किधर से देगा? सब बकवास है, आप भी छको बाबू, लगता है कि मैंने ही तारीख लिखने में गलती कर दी। जब हमें पता है कि तारीख की गलती हो गई है और वो लोग नहीं आ रहे हैं तो फिर किसका इंतजार हो रहा है? नहीं नहीं हमको इंतजार नहीं करना चाहिए, तुम ठीक कहती हो, बहुत देर हो चुकी है, वक्त बहुत कम है। लेकिन श्री विजय सिंह जी शिकार तो रात को ही होगा। आप भी गोवर्धन बाबू, अरे भाई शिकार का सारा इंतजाम तो दिन में ही करना पड़ेगा ना। और ये क्या शेविंग नहीं किया आपने? हाँ तो एक मिनट में कर लेता हूँ, जैसा आप कहें। मैं भी तैयार हो जाता हूँ और शुरू तुम भी तैयार हो जाओ। हाँ मेरी सारी तैयारी पूरी है, बस सिर्फ टिफिन तैयार करना। हाँ ठीक है ठीक है। ठाकुर बाबू अब आप क्या सिर पे हाथ फेर रहे हैं, उठिए ना, चलिए ना। देखे क्या होगा आगे, कौन है पीछे, कौन है आगे, कौन फंसेगा, कौन फंसाए, किसकी लुटिया कौन डुबाए, किसकी शामत आएगी और कौन पिटा कौन पीटे। पीछा करो, पीछा करो, पीछा करो।
करो पीछा करो पीछा करो पीछा करो पीछा करो कोई भागे आगे आगे कोई पीछे पीछे पीछा करो।